मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से लखनऊ समृद्धि महामार्ग के होते हुए। मेरी गाड़ी की स्पीड 110 है, मेरे राइट से एक गाड़ी गुजर रही है। आप देखें कितनी स्पीड में गुजर गई, 160 की स्पीड से कम नहीं होगी इसकी। इनको बिल्कुल ख़तरा नहीं है फाइन पड़ने का। ऐसा नहीं है कि स्कैनर नहीं है इस हाईवे पर, गाड़ियां खड़ी रहती हैं। सामने ब्रिज के नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये लोग या तो कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं या फिर रेस्ट लेने के लिए। जहां पे भी ब्रिज नज़र आएगा आपको, वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई मिलेंगी। और इसके अलावा कहीं भी कोई छांव नहीं है कि कहीं पे रुक सके कोई आदमी। और जगह दिया है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, जगह दिया है। पार्किंग का मतलब ये नहीं कि आप छोड़कर चले जाएं, वहाँ पर पार्किंग लाइट जलाकर आप ठहर सकते हैं थोड़ी देर। क्योंकि हाईवे की जो तीन लाइन है उसके बाद भी इतनी जगह है कि आप गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर रुक सकते हैं। और जहाँ पर आप स्टे नहीं कर सकते, गाड़ी बिल्कुल रोक नहीं सकते, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। एलोरा के लिए एग्ज़िट पॉइंट दिया है यहाँ पे बाई तरफ। इस एग्ज़िट पॉइंट से निकलकर आप धूले भी जा सकते हैं, औरंगाबाद भी जा सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद के लिए आगे एग्ज़िट पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ख़ास औरंगाबाद आगे है। लेकिन अगर कोई धूले जाना चाहता है तो फिर यहीं से निकलना पड़ेगा बाहर। 16 नंबर का एग्ज़िट पॉइंट औरंगाबाद के लिए है, जो कि 26 किलोमीटर के बाद मिलेगा। 15 नंबर का एग्ज़िट पॉइंट है शेंडरा के लिए, जो कि 55 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और 14 नंबर का एग्ज़िट पॉइंट है जालना के लिए, जो कि 71 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और यहाँ से नागपुर 463 किलोमीटर है। अब आए हैं इस हाईवे के खूबसूरत नज़ारे। सामने आप देखें कितनी खूबसूरत सीनरी है। इस हाईवे पर आने से पहले मैंने काफ़ी वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, काफ़ी हद तक बहुत सी बातें क्लियर हो गई थी। और ये पता चल गया था कि इस हाईवे पर कोई होटल नहीं है जहाँ पे खाना मिल सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं खाना लेकर निकला हूँ और बहुत से लोग खाना साथ में लेकर निकलते हैं। कुछ लोग पेट्रोल पंप में खा लेते हैं और कुछ लोग ब्रिज के नीचे रास्ते में कहीं भी गाड़ी को साइड लगाकर खाना खा लेते हैं। मुझे अभी भूख नहीं लगी है क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। ये जो ब्रिज पीछे गुजर चुका है, ये एनिमल के गुजरने के लिए ब्रिज बनाया है। और ऐसे ब्रिज जगह जगह पे मिलेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। 11:55 हुआ है, 12:10 बाकी है। जाहिर सी बात है अभी भूख नहीं लगेगी क्योंकि खाने का टाइम नहीं हुआ है। इस हाईवे को पकड़ते वक्त मेरी गाड़ी का एवरेज 20 का था और उसके बाद फिर घटते घटते इस वक्त 19 के नीचे आ चुका है। और देखता हूँ कितना घटता है। औरंगाबाद आने वाला है। औरंगाबाद के लिए एग्ज़िट 8 किलोमीटर के बाद मिलेगा और वो होगा
16वां एग्जिट पॉइंट। जालना यहाँ से 61 किलोमीटर के बाद है, यानी जालना के लिए 61 किलोमीटर के बाद एग्जिट पॉइंट मिलेगा और वो एग्जिट पॉइंट नंबर 14 है। नागपुर 453 किलोमीटर अभी भी बाकी है। 16वां एग्जिट पॉइंट आने वाला है, या इंटरचेंज कह सकते हैं, और 16वां इंटरचेंज है औरंगाबाद के लिए। अजंठा भी जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अजंठा यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद मिलेगा और उसके लिए 14 नंबर का एग्जिट पॉइंट दिया है और ये एग्जिट पॉइंट है 16 नंबर का। यहाँ से बाहर निकलेंगे औरंगाबाद के लिए। पीछे निकल गया एग्जिट पॉइंट। मजा आ रहा है दानिश? हाँ आ रहा है बहुत। अच्छा हाईवे है ना? इस हाईवे पे मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये रोड जो है ओवरटेकिंग के लिए है। अच्छा हाँ, मैं ओवरटेकिंग के लिए घुसता तो हूँ, इस रोड पर उतरता तो हूँ, लेकिन निकलना भूल जाता हूँ। अच्छा ये है बीच वाली रोड मेरी, 120 के स्पीड वाली। 120 सामने देखो कितना खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त मेरी गाड़ी 110 से 120 के दरमियानी हिस्से में चल रही है और 3000 आरपीएम पे चल रही है। 3000 के आरपीएम में चलने से एवरेज ज़्यादा खाती है गाड़ी। 2500 के आरपीएम में अगर गाड़ी चलेगी तो बहुत अच्छा एवरेज मिलता है। स्पोर्ट मोड में डालता हूँ तो भी वही एवरेज है, बल्कि थोड़ा सा गिरता है स्पोर्ट मोड में। इस हाईवे पर क्रूज कंट्रोल की कमी बहुत खला रही है। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता तो मजा आ जाता। इस हाईवे पर पहली सुरंग मिली है मुझे। मेरा ख्याल है कि ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा था, इसलिए काटने से बेहतर था कि सुरंग निकाल दी जाए। यहाँ पे ट्रक पता नहीं कौन खड़े हुए हैं लाइन से, बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं। चौदह नंबर का एग्जिट पॉइंट अजंठा के लिए है, जो कि यहाँ से 44 किलोमीटर के बाद मिलेगा। ग्यारह नंबर का एग्जिट पॉइंट महकर के लिए है, जो 130 किलोमीटर के बाद मिलेगा। नागपुर 436 किलोमीटर बचा है।
इस हाईवे पे बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ चटियल मैदान और अचानक इतनी खूबसूरत सीनरी आ जाती है तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पर भी एनिमल का ब्रिज दिया है जानवरों के गुजरने के लिए। कुछ जगहों पे इस हाईवे के नीचे से रास्ता दिया गया है जानवरों के निकलने के लिए, जो कि सफर के दरमियान में कुछ पता नहीं चलता है, कसतन अगर उस पे नजर रखेंगे तो नजर आ जाएगा। और कई ऐसी जगह निकली हैं जो मैंने तो देखा है लेकिन उसकी वजाहत नहीं कर पाया। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पत्थर की दीवार उठी हुई है, जिस तरह पहाड़ की ऊंचाई और ढलान है उस हिसाब से उसमें दीवार उठा दी गई है ताकि जानवर रोड पे ना आने पाए। उसी दीवार से लगकर चलते चलते वो ब्रिज तक पहुंच जाएंगे और वहां से रोड क्रॉस कर सकते हैं अगर उनको क्रॉस करना होगा तो। जालना का एग्जिट पॉइंट 34 किलोमीटर के बाद मिलेगा, जो कि 14 नंबर का एग्जिट पॉइंट होगा। महकर का एग्जिट पॉइंट 11 नंबर का है और महकर का एग्जिट पॉइंट 120 किलोमीटर के बाद मिलेगा। दाएं तरफ बोट निकल चुका है। यहाँ पर कुछ किलोमीटर तक ना आप गाड़ी रोक सकते हैं और ना साइड में लगा सकते हैं, नॉट अलाउड, चलते ही रहना है कुछ दूर तक। बाद में फिर जगह मिल जाएगी कि आप थोड़ी देर के लिए ठहर भी सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन अभी नहीं। जालना का एग्जिट पॉइंट 24 किलोमीटर के बाद है और वो है 14 नंबर का एग्जिट पॉइंट। महकर का एग्जिट पॉइंट नंबर 11 है और वो मिलेगा 110 किलोमीटर के बाद। नागपुर 416 किलोमीटर और बचा है। जालना का एग्जिट पॉइंट 24 किलोमीटर के बाद है लेकिन जालना यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद है। बुलढाणा यहाँ से 117 किलोमीटर के आगे है। सुरक्षित चलें इस हाईवे पर। नागपुर यहाँ से 411 किलोमीटर और बचा है। बुलढाणा यहाँ से 108 किलोमीटर है और नागपुर 401 किलोमीटर। जालना का एग्जिट पॉइंट 2 किलोमीटर के बाद आने वाला है। जालना के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे जो कि 14 नंबर का एग्जिट पॉइंट है। बुलढाणा यहाँ से 99 किलोमीटर दूर है। वाशिम 133 किलोमीटर है।
नागपुर 394 किलोमीटर। दानिश ने अभी अभी खबर दी है कि गूगल का कहना है कि पेट्रोल पंप आने वाला है और निशान भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। यहाँ तक के सर्विस रोड भी बंद है। यहाँ से अमरावती 123 किलोमीटर है, इस रास्ते से भी अमरावती मिलता है और नागपुर 384 किलोमीटर बचा है। इस बार सफ़र में हमारे साथ दानिश हैं और उनकी माँ हैं और हम तीन लोग सफ़र कर रहे हैं, अदनान साथ में नहीं है। आज के सफ़र में अदनान नहीं है, इसलिए मुझे अकेले गाड़ी चलाना पड़ रहा है। वाशिम 113 किलोमीटर, नागपुर 374 किलोमीटर है। बुल्ढाना यहाँ से 78 किलोमीटर है, वाशिम 112 किलोमीटर, नागपुर 373 किलोमीटर बचा है। बहुत ही खूबसूरत सीनरी सामने है। इस बोर्ड को लंबा करता हूँ, गौर से देखिएगा, आरटीओ की गलती दिखाता हूँ। इस बोर्ड में क्या लिखा है, वाशिम 112 किलोमीटर, नागपुर 373 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर के बाद 369 किलोमीटर हो जाता है नागपुर, लेकिन वाशिम 112 किलोमीटर से 135 किलोमीटर कैसे हो गया, आपके सामने है, देख लो, 112 से 135 कैसे हो गया, 112 से 4 किलोमीटर कम करेंगे तो 108 किलोमीटर होना चाहिए, 135 कैसे हो गया है, कौन सा कैलकुलेशन चलता है इनके यहाँ। यहाँ पे 13वां इंटरचेंज आने वाला है 2 किलोमीटर के बाद। यहाँ से अगर एग्जिट करेंगे तो पहुँच जाएंगे सिंधखेड़ राजा और देउल गांव राजा, दो अलग अलग गांव हैं, एक ही गांव के नाम नहीं है। सिंधखेड़ राजा, अकोला सीधा, नागपुर सीधा, सिंधखेड़ राजा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकले। अकोला यहाँ से 157 किलोमीटर है, 157 किलोमीटर। अमरावती 246 किलोमीटर, नागपुर 363 किलोमीटर।
बुल्ढाना और दुसरबीर के लिए 1 किलोमीटर के बाद एग्जिट पॉइंट आने वाला है। दुसरबीर गांव का नाम है और यहीं से बाहर निकलेंगे बुल्ढाना और दुसरबीर के लिए, और वो एग्जिट ये रहा। और ये है बादवा इंटरचेंज या बादवे नंबर का एग्जिट पॉइंट, ये रहा। और टोल प्लाजा बाहर बना हुआ है, दिख रहा है। हर एग्जिट पॉइंट पर या हर इंटरचेंज पर 2 टोल प्लाजा होते हैं, एक इंटरचेंज वाला और एक एग्जिट पॉइंट वाला। निशान लगा हुआ है कि सर्विस एरिया और पेट्रोल पंप 4 किलोमीटर के बाद मिलेगा। अकोला यहाँ से 132 किलोमीटर है, वाशिम 103 किलोमीटर बचा है, नागपुर 337 किलोमीटर। एक पेट्रोल पंप के बाद दूसरा पेट्रोल पंप आया है 2.5 घंटे के बाद। एक बज के 3 मिनट से 1:17 तक मैं लाइन पे लगा था, तब पेट्रोल मिला है। 15 मिनट की लाइन थी।